क्या करें इनका भाई साहब का, तो घूम फिर कर वहीं पर आ गए फिर से। तो कल भी वहीं पर शुरुआत किया था इन्होंने, 51,500 से शुरुआत किया था, वहीं पर आसपास में बैठे करते, घूम फिर कर भाई साहब वहीं पर आ गए। ऑलमोस्ट कहीं जाने का नाम ही नहीं ले पा रहे। गाइज एक आपको रियलिटी बता रहा हूँ, समझ लीजिए अच्छे तरीके से क्या एनालिसिस बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ। एनालिसिस में जितने दिन भी दे रहा हूँ आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैंने कल भी आपको बता रखा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, याद होगा तो देख लेना। बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग के बाद सीधे ऊपर चला जाता है, ओपनिंग के बाद अगर सीधे ऊपर चला जाता है, देखो यहाँ पर ओपनिंग हुआ है, मैं आपको लिख कर यहाँ आ रहा था, मगर ओपनिंग यहाँ पर अगर सीधे चला जाता है, अगर नीचे आकर 51,600 को टच कर देता है, मैंने क्या बोला था, 600 को टच कर देता है, तो फिर ये अपसाइड जाने के लिए थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करेगा। आप छोटी सी क्वांटिटी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के फिलहाल की कंडीशन पे आपको जो भी करना है वो ओनली और ओनली सब कुछ ट्रायल बेसिस पे ही करना है। ओनली ओनली बोलते हैं ना कि ये एक नदी है, राइट, ये नदी है, इस नदी में आपको कूदना है, आप खड़े हो यहाँ पर, इस नदी में कूदना है, लेकिन इस नदी में कूदते समय नदी कितनी गहरी है आपको पता नहीं है, कितनी गहरी है, इसको अगर आप स्विमिंग के लिए जाओगे तो आपको पता नहीं है गहरी है कि नहीं। इसीलिए जब भी नदी में कूदना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जंप थोड़ी करोगे, सिर्फ उड़ जाएगा, नहीं, एक पैर डालना है नदी के अंदर, एक पैर डाल के देखो कि नदी गहरी है कि नहीं। अब एक पैर डालने का मतलब क्या है, एक लॉट, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो तो उस हिसाब से मैनेज कर लेना, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक लॉट बस डाल के देख लेना। अभी मार्केट में मैंने सुबह भी बताया था, निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी जब ऊपर जा रहा था, पहली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तो मैंने भी बताया था कि आप एक क्वांटिटी डाल के देखो मार्केट में, मार्केट ऊपर चला गया, फिर वहां से फेल होकर चलाया, नीचे चलाया और इसी रेंज के अंदर बैठ गया। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बना था, एक कैंडल के अंदर अंदर में बढ़िया प्रॉफिट बना था, 1:1 का टारगेट तो मिल ही गया था। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी को भी प्लान किया था, ऑलमोस्ट ये जगह से यहाँ तक की भी एक बार प्रॉफिट बन गया था, लेकिन ये जगह पर ना मैं एग्रेसिव सेलिंग के लिए ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ना सेलिंग के लिए ना ही बाइंग के लिए। मेरे पास मार्केट का वो सिनारियो नहीं है, मार्केट कहीं जाएगा, मैं यहाँ से भी आपको कल भी बता रखा था, मार्केट कुछ भी कर ले, एक बार मार्केट को यहाँ से नीचे जाता है तो 200-250 पॉइंट नीचे गिरने दीजिए पहले, तभी कुछ ट्रेड कर पाइए। यहाँ पर भी बता के रखा था आपको कि 51,800 के ऊपर ही प्रॉपर प्लान बनेगा, उसके पहले पहले कोई प्लान ही नहीं बनेगा। आप समझने की ट्राई करो, मार्केट के सिचुएशन समझने की कोशिश करो, जितना ज्यादा आपको परेशान कर रहा है ना, करने दो, वेट करो, 4 दिन करेगा, 8 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, ये स्टॉक मार्केट है, ये आपको जितना ज्यादा परेशान करने वाला है ना, उतना ही ज्यादा आपको आने वाले टाइम में पैसा बना के देने वाला है। इसीलिए आप वेट एंड वॉच करते रहो, जल्दबाजी बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही वेट करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, वेट करते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट, देखो मार्केट का फेज होता है, मार्केट ट्रेंडिंग बनता है, फिर मार्केट साइडवेज चला जाता है, फिर मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करता है और फिर से मार्केट ट्रेंडिंग बनता है। सो अभी फेज क्या हो चुका है मार्केट, देखो वैसे भी जुलाई महीना अगर आप पूरा कैलकुलेट करके देखते हो जुलाई मंथ पे, तो ऑलमोस्ट 95% मार्केट है जो साइडवेज ही है। अगर आप 2-4 दिन मार्केट को छोड़ देते हो तो पूरा साइडवेज मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिला है, कोई भी बढ़िया मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिला ही नहीं है। तो इसी बात का आपको पहले से ख्याल रखना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। ये लाइट बहुत मार रही है मेरे आंखों पे, तो पहले ये डायरेक्ट लाइट आ जाती है, बहुत ज्यादा तेज है। ओके, तो इतना समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, इतनी तो बात आप समझ गए होंगे। जैसे आप इमेजिन करो कि कल कैसे प्लान बनाएंगे, वापस घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए, देखो 550 पे चलाया, 450 पे चला गया था, फिर से आ गए, मतलब वहीं पर आ गए भाई साहब। ये तो चलो मानते हैं, सोचो कि कल के दिन पे बैंक निफ्टी फिर इसी रेंज के अंदर अंदर फ्लैट ओपन हो जाता है। मैंने कल जो आपको एनालिसिस बताया था उसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले, क्योंकि कल का प्लान अलग था, आज का प्लान अलग होने वाला है। कल के दिन पे अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, आज मैंने सुबह लाइव में ना बहुत एक इंटरेस्टिंग क्रिएट किया था, मैं आपको मार्केट के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा और आप मुझे आंसर बताओगे और उसके अंदर आप सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया सेशन रहा था आज, कल मॉर्निंग में। मैं आज रात के लिए यही प्लान कर रहा हूँ, मैं आज रात को 9 बजे इंस्टा पे लाइव आने वाला हूँ और यहीं पर रहूंगा। मैं आपको क्वेश्चंस रेडी करके आ रहा हूँ, तो क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे और उसको क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। सब लोग कमेंट करके बता सकते हो। देखो मुझे ये सेटअप करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि दिक्कत क्या, अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे जरूर बता देना। क्या देखो, मोबाइल को मेरे मोबाइल को एज अ वेबकैम यूज करना है। क्यों मोबाइल को यूज क्यों करूंगा? क्योंकि मोबाइल मेरे आईपैड से और एप्पल को कनेक्ट इजीली कर पाएगा। सो मुझे इसके बारे में देखना है कि अगर मैं वेबकैम पे रहूं तो मुझे एक क्लियरिटी मिलनी चाहिए, जैसे कि मैं आपके कमेंट भी पढ़ पाऊं और आपको एक कैमरा भी व्यू मिल पाए जो कि प्रॉपर तरीके से। ये कैसे सेटअप करना है मुझे नहीं पता। अगर किसी को इन सारी चीजों के बारे में पता है तो मुझे जरूर गाइड कर देना, थोड़ा सा उसके लिए आपकी हेल्प हो सकती है मेरे लिए। सो उस चीज के लिए देखते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा सेटअप बनाना चाहता हूं कि मैं इंस्टा पे लाइव आ जाऊं, मैंने वहां पर क्लिक कर दिया, मैं खड़ा हूं सामने, तो आपके कमेंट भी मुझे सामने से दिखने लगेंगे, क्या क्या कमेंट कर रहे हो, और आप भी। मुझे 2-4 डिवाइस नहीं लगाने, एक ही बार में ऐसा सेटअप क्रिएट करना है। इतना मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कर बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएट करने वाला हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं आपको मार्केट के ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कि आपको दिमाग में थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, आपको लर्निंग में मजा आएगा। बहुत सी चीजें ऐसी क्रिएट करेंगे, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे होता नहीं है। एक्चुअली गाइस मार्केट में मुझे कंप्लीट आकर 8 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मैं पार्ट टाइम मार्केट कर रहा था ऑलमोस्ट पहले 4 साल, और उसके बाद मैं मार्केट में 4 साल तक कंटिन्यूअसली फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो इन सारी चीजों के अंदर मैंने पूरे जो 8 साल की जर्नी कंप्लीट कर गया, तो उसके लिए एक स्पेशल कूपन कोड आज आपको देने वाला हूँ मैं, और उस स्पेशल कूपन कोड आज आपको इंस्टा के रील में मिलने वाला है। तो जाकर उस रील को चेकआउट करना, पूरे रील के अंदर आपको एक इंस्टा का कूपन कोड मिल जाएगा। जो भी लकी मेंबर्स होने वाले हैं, जो भी लकी फर्स्ट 10 मेंबर्स होने वाले, उन्हीं के लिए हमारे क्लासेस में, हमारे आपको अगस्त बैचेस में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। वहां पर आपको जाओ और वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक हेवी डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो आज की इंस्टा के रील पे, आज मैं इंस्टा पे रील पे जो भी शाम को पोस्ट करूंगा उसके अंदर आपको जल्दी से मिल जाएगा, तो जाकर उसको चेकआउट कर देना। उस रील के अंदर एक कूपन कोड मिल जाएगा, वो कूपन कोड आपको जाकर व्हाट्सएप पे हमें डाल देना है। जैसे व्हाट्सएप पे डालोगे उस लकी मेंबर्स को, वहां पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। चलो ज्यादा हम टाइम नहीं लगाते, कल के दिन पे मार्केट अगर यही रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, कल इसी रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन हो जाता है, आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर सीधे जाकर एक कैंडल बना दे, एक रेड कैंडल बना दे, जो कि 400 के पास बननी चाहिए, मैं एक बार हटा देता हूँ। मार्केट अगर इसी नीचे की जाकर, अगर 400 के नीचे जाकर वो कैंडल क्लोज कर पाए, बस एक कैंडल क्लोज करे, अगर 400 के नीचे जाकर ये कैंडल अगर क्लोज कर जाती है, तो उसी कैंडल के नीचे पहली क्या होगी, ऑलमोस्ट ये कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो दूसरी कैंडल ट्राई करेगी इसी के अंदर अंदर बनने की। ये मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि दूसरी कैंडल यहाँ पर ट्राई करेगी इसके अंदर बनने की, और फिर ऐसा कुछ बनने के बाद अगर फिर जाकर मार्केट अगर इसके नीचे निकलने लगता है, तो आप फिर से मार्केट में यहाँ पर पैर डाल के देख लेना नदी कितनी गहरी है। पहली बार में थोड़ी कम क्वांटिटी, नदी कितनी गहरी है देख लेना, पहली बार थोड़ी कम क्वांटिटी। फिर अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है, 51,200 के पास चला जाता है, 200 के पास जाकर भी मार्केट अगर सस्टेन करने लगे, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सस्टेन करने लगे, होल्ड करने लगे, फिर जाकर अपनी बाकी भी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट आप 400 के आसपास ऑलमोस्ट 400, हाँ राइट, 200 के नीचे जाकर अपनी बाकी की क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। फिर मार्केट आपको 51,000 का टारगेट दिखाने की कोशिश जरूर कर सकता है। तो इस चीज के लिए आप प्लान बना सकते हो, इस चीज के लिए आप सोच सकते हो, इसके लिए बढ़िया मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो होप आप इतना अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना तो समझ ही रहे होंगे आपको क्या करना है और कैसे प्लान क्रिएट करना है। लेकिन सोचो मेरा इस कंडीशन पे बाइंग का मूड तो तभी बन पाएगा जब क्लियर पिक्चर है कि 51,820 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी जाकर प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं कर पाता है, इसके क्या हुआ, अब इस लेवल के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी जब तक सस्टेन नहीं कर पाता, आई एम नॉट गोइंग टू बाय द मार्केट, मैं बिल्कुल भी बाइंग करने के लिए कंडीशन में नहीं हूं। और वैसे तो निफ्टी को देखने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं करना है कि मार्केट को किसी भी हालत में बाय कर जाओ। मैंने आपको लंबोदर टेक्सटाइल दिया था, उसने भी बढ़िया मोमेंटम किया। आज भी मैंने एक स्टॉक आपको बता के रखा है, उसके अंदर भी देखो मैंगलोर रिफाइनरीज मैंने आपको बता के रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी बढ़िया मुझे अभी फिलहाल के लिए लग रहा है। उसके अंदर भी एक बड़ा टारगेट मुझे प्लान करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो बड़े टारगेट्स, ऐसे सारे स्टॉक्स में जो टारगेट्स होते हैं मॉर्निंग के अंदर एक बड़ी मोमेंटम आती है और उसी के अंदर अंदर आपको पूरे टारगेट्स मिल जाते हैं। हो इतना अभी समझ रहे होंगे इसी जोन के अंदर अंदर पूरी तरीके से ट्रेड कर रहा है। मैं जिसकी तरीके से प्लान बता रहा हूँ तभी प्लान कर रहा। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जब तक बैंक निफ्टी क्लियर आपको बता दूं कि जब तक बैंक निफ्टी अब इस जोन से बाहर नहीं निकल जाता, आपने ट्रेड में जो क्वांटिटी आप डालने वाले हो उस क्वांटिटी को आप अपने 20 या 40% से ज्यादा मत ले लेना। 20 to 40% की क्वांटिटी पे ले लेना, 100% क्वांटिटी डालने का सपने थोड़े से भूल जाना थोड़ी देर के लिए। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो उसके बाद ही कुछ प्लान बनेगा। बाइंग करने के लिए मेरे लिए क्लियर कट है कि और 1-2 दिन के लिए अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाता है, और 1 दिन के लिए मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर रह जाता है, फिर ये सेलिंग के लिए जाना पसंद नहीं कर पाएगा। फिर बाइंग के लिए हम कुछ पैटर्न ढूंढेंगे, कुछ बढ़िया तरीके से कैंडल्स के बेसिस पे अगर कुछ बढ़िया मिलता है तो हम यहाँ पर प्लान करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले कोई भी यहाँ पर मेरा प्लान नहीं होने वाला। मार्केट डायरेक्टली अगर गैप डाउन होने की कोशिश करे तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए 51,200 के नीचे डायरेक्ट अगर ओपन होना चाहिए, तभी जाकर मेरे लिए कुछ बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। उसके पहले कोई मोमेंटम नहीं। फिर भी वो भी 51,200 के पास अगर मार्केट ओपन भी हो जाता है तो भी सस्टेन करना चाहिए उसके नीचे, तभी जाकर हम सेलिंग के लिए जाएंगे। नहीं तो फिर यहाँ पर भाई सब ओपन हो जाएंगे और फिर यहाँ से वापस लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पर रेडी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है चीजों को देखने के बाद ही मैं कुछ प्लान बना सकता हूँ। उसके पहले मेरा कोई प्लान यहाँ पर बन ही नहीं सकता है। तो इतना आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मार्केट अभी उसी कंडीशन के आसपास मुझे टिकता हुआ दिख रहा है। चलो एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का तो मतलब निफ्टी तो अपने मतलब एक 7वें आसमान पे है भाई साहब। जो करना है कर लो तुम, हम तो हिलने वालों में से नहीं है। निफ्टी रानी तो ऐसी बैठी है कि बस कुछ भी कर लो, अपन को तो हिलना ही नहीं है। तुम जो करना है कर लो, हिलना ही नहीं है। जब को कौन ऐसा करता है यार, मेरे लिए भी ये हॉरेबल सिचुएशन है। मैं सच बताऊं मेरे टोटल 8 साल मार्केट में दिया है। पहले तो मैं मार्केट को थोड़ा थोड़ा देखता था, फिर उसके बाद 4 साल से कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, 4-5 साल से मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, 5 साल ऑलमोस्ट कंटिन्यूस देख रहा हूँ। किसी भी हालत पे मुझे बैंक निफ्टी उस तरीके से बिहेवियर ही नहीं दिख रहा है उसका। निफ्टी को मैंने ऐसे करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा पिछले काफी टाइम से। ये कुछ अलग ही बिहेवियर है, कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है मार्केट में। वी डोंट नो कि क्या चल रहा है, बस हमें फॉलो करते रहना है व्हाट एवर इन सिचुएशन। निफ्टी 25,000 आज के दिन पे जाए तो 25,000 के ऊपर चला गया था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था 25,100 120 यही सारे टारगेट्स मेरे होने वाले हैं। 25,080 यही सारे टारगेट्स मेरे पास होने वाले, इससे ज्यादा कोई बड़े टारगेट नहीं होंगे। ये लेवल को टच करते फिर इसके अंदर सेलिंग आ जाएगा और फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो ये ऑलमोस्ट 25,080 के आसपास से जाकर ये कहीं ना कहीं रिटर्न आने की कोशिश किया है और फिर रिटर्न आया। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर भी आपको बोला होगा, आपको याद होगा, मैं हम यूट्यूब पे लाइव थे तब जाकर कि यहाँ से सेलिंग आप कर सकते हो लेकिन एग्रेसिव नहीं जा सकते। देखो अगर सेलिंग ही करना है तो मैं एग्रेसिव जाऊंगा ना। सेलिंग कौन करता है स्लो में? सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। सेलिंग ही करना है तो एग्रेसिवली कर जाऊंगा और यहाँ पर सेलिंग का मुझे कोई मौका ही नहीं दिख पा रहा था। दैट्स व्हाई नीचे चलाया। देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मार्केट यहाँ पर इतना गैप अप ओपन होने के बाद अगर फिर मार्केट नीचे चला रहा है तो ये ऐसे नीचे गिर नहीं सकता। मार्केट को अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट को गैप डाउन ओपन होने दीजिए। अगर मार्केट फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तब कुछ प्लान बन सकता है, तब कुछ हम सोच सकते हैं कि मार्केट फिर नीचे साइड में प्ले कर सकता है। गैप अप ओपन होने के बाद फिर नीचे चला जाएगा तो ये लेवल इसके लिए कहीं ना कहीं रोकने के लिए होने वाले हैं सारे लेवल। तो अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन यही है। निफ्टी को ना मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको कि 25,100 के ऊपर ही कुछ बाइंग करने का फिलहाल के लिए प्लान बनाएंगे। ये लेवल के आसपास निफ्टी को बाइंग करने का प्लान नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 25,000 एक राउंड नंबर जरूर है, लेकिन जो सबसे सेलर ज्यादा हेवी बैठे होंगे वो 25,100 के ऊपर ही बैठे होंगे क्योंकि उनको भी पता है मार्केट इतना देर तक यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो ये इजिली पॉसिबिलिटी कि थोड़ा बहुत तो 25,000 को टच करने के लिए आने ही वाला है। ये सारे लेवल्स के ऊपर सारे सेलर्स बैठे हैं ये सारे लेवल्स पे, तो इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है तब तो कोई प्लान नहीं बनेगा बाइंग साइड का। सेलिंग का भी मेरा कोई प्लान नहीं बनेगा। सेलिंग के लिए मुझे चाहिए मार्केट में गैप डाउन चाहिए, तभी जाकर कुछ चीजें हो सकती है। एक बड़ा सा गैप डाउन जिस दिन पे आ जाए तभी जाकर कुछ सेलिंग का प्लान बनेगा। अदरवाइज मैं निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करना पसंद कर सकता हूँ। निफ्टी में बाय तो जरूर कर सकते हो, छोटे मोटे ट्रेड्स बना सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन कोई डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। तो डायरेक्शनल ट्रेड को मैं प्लान करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप डायरेक्शनल को मार्केट को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे रहो क्योंकि मार्केट अभी उस मोमेंटम में नहीं है। तो वो इतना समझ गए होंगे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।